गाइस लुक एट दिस माउथ वाटरिंग मैंगो पिकल, और ये मेरा फेवरेट है और इसकी इतनी इजी। तो यहाँ लेंगे हम, मैंने यहाँ पे आधा किलो ये छोटी वाली आमी ली है, और वैसे तो मार्केट में अच्छी नहीं मिल रही थी तो मैंने कि चलो यार यही ले लेते हैं, और अगर आपको फ्रेश मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब मैं यहाँ इसे अच्छी तरह से वॉश करूँगी क्योंकि ये थोड़ी पुरानी सी भी लग रही थी मुझे, काफ़ी दिन की लग रही थी, 3-4 दिन पुरानी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि इसे अच्छी तरह से वॉश करते हैं तभी बनाएंगे इसका अचार। तो मैं यहाँ वॉश कर रही हूँ, साथ में मेरी सिस्टर भी है, वो भी मेरी हेल्प कराएगी, और मैंने यहाँ अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और ये अचार इतना टेस्टी होता है ना, बहुत ज़्यादा, आप किसी के साथ खा सकते हो, आप दाल चावल हो, चाहे आपके नमकीन चावल हो, पराठा, किसी के साथ भी खा सकते हो। तो यहाँ मैंने कर ली है अपनी आमी वॉश। अब मैं लूँगी एक बर्तन, बर्तन तो नहीं है तो मैंने तो इसी में रख दिया था मेरी जो आमी थी धोकर, और थोड़ी देर से सुखाने के लिए रख देंगे क्योंकि हमें इसके ऊपर से छिलका भी निकालना है, इसे पील ऑफ भी करेंगे अच्छी तरह से। आमी जो थी ना बहुत छोटी छोटी थी, अगर आपसे आपको थोड़ी बड़ी मिलती है ना तो वेल एंड गुड है। और गाइस सॉरी, यहाँ पे ना मेरा कैमरा ठीक से एडजस्ट नहीं हो पा रहा था तो मैं आपको ठीक से नहीं दिखा पाई, पर हाँ बस यहाँ पे बस हमें पील ऑफ करना है, बस छिलका निकालना है आमी के ऊपर से। और यहाँ मेरी सिस्टर भी मेरी हेल्प कर रही है, मैं कि नहीं तू फालतू बैठी हुई है, तुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि इतना मुश्किल हो रहा था, बहुत पुरानी थी ना तो थोड़ी पिलपिली सी हो रही थी आमी, तो उसने मेरी हेल्प कराई और यहाँ पे मैं कर रही हूँ शूट वीडियो। और ये हमारी आमी तैयार है छिलकर, अब हम बनाते हैं अचार। तो यहाँ लिया है मैंने करीब 1.5 चम्मच के करीब नमक, और यहाँ लूँगी मैं हाफ स्पून थी हल्दी, और मैं इसमें हल्दी डालूंगी और इसे बहुत अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। और यहाँ मैं मिला रही हूँ, और ये जो रेसिपी है ना वो एक्चुअली मेरी मॉम की रेसिपी है, क्योंकि एक बार मेरी मॉम ने बनाया था तो अचार मुझे इतना पसंद आया, क्योंकि मुझे ड्राई मैंगो पिकल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे मिला के रख दिया है, और इसे है ना हमें ओवर नाइट के लिए रखना है, क्योंकि जो भी इसके अंदर जूस होगा और जो भी पानी निकलेगा ना तो हम ओवरनाइट के लिए रख देंगे इसे, और हम इसे देखेंगे सुबह। तो सुबह हो चुकी है, और ये मेरी मेरी आमी, और आमी ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है तो पानी तो हम फेंक देंगे और अपने मैंगो को रख लेंगे। तो यहाँ लूँगी मैं थाली, थाली में मैंने अच्छी तरह से इसे रख लिया है, और मैं इसे धूप में सुखाने के लिए रखूँगी। और पता है गाइस, जिस दिन मैंने इन आमी को काटा था ना उस दिन बिल्कुल भी धूप नहीं निकली, बिल्कुल भी, और मुझे 2 दिन लग गए इन्हें सुखाने में क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं थी 2 दिन से, और क्योंकि एक दिन में सूख जाते। और यहाँ देखो हमारी आमी सूख गई है 2 दिन बाद। अब मैं आपको मसाले मसाले कुछ भी मसाले नहीं, कुछ भी। तो यहाँ लिया है मैंने नमक, लाल मिर्ची, मिर्ची मैंने ज़्यादा ली है, और इसमें मैंने लिया मेन चीज़ हींग, यहाँ लिया है मैंने सौंफ और राई बस, और यहाँ लिया है मैंने सरसों का तेल। तो यहाँ रखूँगी मैं एक बाउल में अपनी सारी आमी, और इसमें डालूँगी मैं जितने भी मेरे मसाले थे सारे मसाले डालूँगी। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ सौंफ और राई का क्या बोलते हैं इसे मसाला, और इसी में मैं डालूँगी नमक, इसी में मैंने नमक मिर्ची और हींग मिला के रख दिए थे। अब मैं डालूँगी करीब 1.5 चम्मच के करीब तेल डालूंगी, इसमें तेल ज़्यादा नहीं पड़ता है क्योंकि मैं ज़्यादा डालूंगी, मुझे वो तेल वाला ना आम का अचार बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मुझे यही पसंद है। मैंने 1.5 चम्मच के करीब इसमें तेल लिया है, अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं था, मैं ही थी, सारा काम मैं ही कर रही थी, कैमरा भी मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ था और एक हाथ से ही मिक्स कर रही थी मसाला, तो मेरे लिए तो सच में चैलेंज चैलेंज हो गया था ये एक तरह से। मैं ये सोचे, और भी मैं सुबह सुबह कर रही हूँ, ये करीब 6:30 या 7 बज रहे होंगे, मैं तब कर रही हूँ। और ये रेडी हो गया हमारा आम का अचार।
अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी मज़ेदार रेसिपी के लिए प्लीज़ मुझे फॉलो करिए। और डेली व्लॉग्स में डालती हूँ हर दिन, हर दिन कभी कभार मैं डाल ही देती हूँ। हफ्ते में 3-4 वीडियो मेरी आ जाती हैं डेली व्लॉग्स की, आप देख सकते हो उन्हें भी जाकर। और यहाँ मैंने लिया है जार, जार में मैं रखूँगी ये अपना अचार। अचार थोड़ा ही बना था, और पता है ज़्यादा दिन नहीं चलेगा ये, 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मैं ही खाने वाली हूँ इसे। और बस एक दिन इसे धूप दे देंगे तो आपका 3-4 दिन में ये रेडी हो जाएगा। तो ये रहा मेरा अचार। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।